सो हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं कमल टेक्निकल ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जोस एप्लीकेशन के बारे में। तो जोस एप्लीकेशन क्या है, जिस प्रकार आपने देखा कि पिछले मैंने वीडियो बनाए थे जिसके अंदर मैंने रील्स, मोज और ट्रेल एप्लीकेशन जो कि शॉर्ट एप्लीकेशन थी, जो टिकटॉक की तरह ही हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इन एप्लीकेशन को अभी इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जोस एप्लीकेशन जो कि एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप किस प्रकार वीडियो बना सकते हैं, इसका किस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है और ये किस प्रकार हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि जोस एप्लीकेशन अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जब प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जोस, तो आप इस प्रकार जब जोस टाइप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जोस मेड इन इंडिया शॉर्ट वीडियो ऐप, जो कि एक शॉर्ट वीडियो ऐप है, जो कि एक डेली हैंड जो इंडिया का ऐप इंडिया के लिए, तो इस कंपनी द्वारा ये बनाई गई एप्लीकेशन है। और इसकी अगर बात करें अगर कि इसको कितने लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया है, तो अभी तक इसको 1 मिलियन से भी प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। और ये 6.3 MB का एक एप्लीकेशन है, तो आपके सामने एक शॉर्ट एप्लीकेशन मिल जाती है। और इसकी जो लास्ट अपडेट है जो कि 11 जुलाई 2020 को आई है। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर हमें किस प्रकार का इंटरफेस मिलता है और किस प्रकार इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो आपको क्या करना होगा कि जोस एप्लीकेशन को बेसिकली ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने मेड इन इंडिया जोस यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके बाद में आपको यहाँ से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ से आपके सामने कुछ लैंग्वेज मिल जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज चाहते हैं अपनी लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी लैंग्वेज जितनी भी नज़र आती है वो आपके सामने आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर आपको सारी लैंग्वेज से रिलेटिव वीडियो मिल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाता है आपको स्वाइप वीडियो का, तो आप जैसे ही स्वाइप और वॉच एंड नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार आपके सामने वो वीडियो नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने लैंग्वेज सभी सिलेक्ट की है तो हमारे सामने जितनी भी लैंग्वेज है उतने ही उसके वीडियो आ जाएंगे। और कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिलने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मिल जाता है उस बंदे की आईडी सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जिस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसके फॉलोअर्स, फॉलोइंग और वीडियो और लाइक यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिकटॉक की तरह है। और इसके बाद में इस वीडियो को कितने बंदों ने देखा तो यहाँ पे मिल जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में एक लाइक का ऑप्शन नज़र आता है जहाँ से आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप के अंदर चले जाएँगे और इस वीडियो को सेंड कर पाएंगे। तो इसके बाद में कुछ नीचे इंटरफेस मिलता है आपके सामने। एक मिलता है होम बटन का, जब होम बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी वीडियो है उनके बारे में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ से परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाता है, तो आप इसे अलाउ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो आप इस प्रकार इस परमिशन को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी जो न्यू वीडियो बनाए हुए उनके नज़र आ जाएंगे। होम बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आता है। एक आता है न्यू वीडियो का, जहाँ पे अभी जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुए हैं उनके बारे में यहाँ मिल जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे ग्लैमर, ट्रेडिंग, स्टेटस, इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो यहाँ से आप देख पाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन बेसिकली तब आएगा जब आप किसी को फॉलो करेंगे और उसके द्वारा कोई वीडियो बनाया जाएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लस का आइकन है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो जब आप प्लस पे आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको जो अपनी फ़ोटो और मीडिया है उसको यहाँ से अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद में आपके जितने भी वीडियो वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद में जितने भी आपने जितनी कैटेगरी के वीडियो बना रखे हैं वो यहाँ पे फोल्डर भी नज़र आ जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जैसे इस वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये वीडियो लूँगा और इसे आगे बढ़ा दूँगा। आगे बढ़ने के बाद में इसका कुछ टाइटल डाल देना है और यहाँ पे हैशटैग भी लगा देने चाहिए। और यहाँ पे वीडियो की लैंग्वेज की सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल या फिर अदर लैंग्वेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे उसकी कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ये फ़नी वीडियो है तो यहाँ से फ़नी पे क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप इसे पोस्ट नहीं करना चाहते तो सेव टू ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे इस एप्लीकेशन के अंदर आईडी बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके सामने अपनी जो OTP है वो आ जाएगी। सो यहाँ से आपको अपनी OTP डाल देनी है और आप अपना अकाउंट बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार ये इंटरफेस रहेगा इसका।
इसके बाद में अपन बात करते हैं जोश इंग्लिश। जब जोश इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या आता है कि जोश इंग्लिश, यहाँ पे जोश से रिलेटिव आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ से आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको जोश से रिलेटिव जितने भी वीडियो इंग्लिश में बनाए हुए हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि जो फॉरेनर कंट्री के जितने भी वीडियो है वो भी यहाँ पे आपको अलग से कॉलम मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर। और इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल पे जब क्लिक करते हैं तो आपको बेसिकली अपने अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, और यहाँ से सेंड ऑटो ले करेंगे तो आपके सामने OTP आ जाएगा, उसे डालने के बाद में आपका एक अकाउंट बन जाएगा। सो ये है जोश एप्लीकेशन, और किस प्रकार की एप्लीकेशन आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। और हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो भूलेगा ही नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू अगेन।